इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई नजर आते हैं मनोरंजन की दुनिया से कुछ अहम खबरों पर। मनोरंजन की दुनिया से पहली खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों किसी नए विवाद में घिरती नजर आती हैं। वहीं अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से भी विवाद होने की खबर आई है। बता दें कि कंगना रनौत रविवार यानी आज बोर हो रही थी और उन्होंने स्वरा को चिढ़ाने का फैसला लिया। कंगना ने स्वरा के साथ एक जैसे नजर आने वाले कपड़ों और ज्वेलरी का एक कोलाज रीट्वीट किया। स्वरा ने जवाब देते हुए कहा कि वो हमेशा बोरियत को कम करने में मदद करती हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलती है और वो कंगना से प्यार करती हैं। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर नेक्स्ट वीक अपनी नई फिल्म इंडिया लॉकडाउन के साथ वापसी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म के जरिए से बताना चाहते हैं कि कैसे 2020 में लॉकडाउन से हमारी लाइफ प्रभावित हुई। मधुर भंडारकर ने आगे बताया कि कैसे कोविड की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया प्रभावित हो गई थी। ये एक मजबूत चरित्र की कहानी है जो लोग इस फिल्म से जुड़ भी पाएंगे। इंडिया लॉकडाउन फिल्म में प्रतीक बब्बर, साई तमहाकर, श्वेता बासु प्रसाद, प्रकाश बेलावादी, अहाना कुमरा, जरीफ शिहाब और आयशा अमीन नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी रुकवा दी गई है। जी हाँ, खबर आ रही है कि पंजाब में इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी और जब किसानों का एक गुट वहां पहुंचा तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए और बाद में उन्होंने होटल के बाहर भी नारे लगाए, क्योंकि किसानों ने मांग की कि एक्ट्रेस जानवी कपूर अपने होटल से बाहर निकलें और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाएं। रिपोर्ट्स के अनुसार किसान चाहते हैं कि कृषि बिल पर उनका साथ दिया जाए, केवल जानवी कपूर से ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी उनका साथ दे, ये उनकी मांग है। वेब सीरीज तांडव को लेकर घमासान जारी है। तांडव सीरीज को लेकर हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। अब करणी सेना ने एक अजीबोगरीब ऐलान किया है कि तांडव वेब सीरीज में जिन कलाकारों ने अपमान किया है उनकी जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तांडव वेब सीरीज पर विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बात महाराष्ट्र के करणी सेना के अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर ने कही है। हालांकि तांडव वेब सीरीज से जुड़े मेकर्स ने इस मामले में माफी मांग ली है, लेकिन अजय सिंह सेंगर को उनकी माफी स्वीकार नहीं है। टीवी पर आने वाले कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो को देश में ही नहीं विदेशों में भी कई लोगों देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस कॉमेडी शो को लेकर ये खबर आ रही है कि द कपिल शर्मा शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। बता दें कि इस शो में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज यानी सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शो बहुत जल्द ऑफ एयर हो जाएगा। दरअसल कोरोना की वजह से शो में ऑडियंस नहीं आ पा रही है, इसलिए कपिल अपने इस शो को नए रंग से वापस लाने का फैसला लिया है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी, किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।